नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज मैं बात करूंगा कि आज की डेट में काफ़ी लोग जो हैं एज के अनुसार से, और सर्दी का मौसम भी चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, जिसकी वजह से काफ़ी ओल्ड एज के लोगों में एक प्रॉब्लम बनी रहती है कि जॉइंट्स पेन, सर्दी की वजह से जो उनके शरीर में दर्द बना रहता है, उसके बारे में आज मैं बात करूँगा कि ये दर्द क्यों बना रहता है, किसकी वजह से बना रहता है और इसका निवारण क्या है, किस तरीके से इस दर्द में हम जो है आराम पा सकते हैं, क्या मुझे करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने शरीर में अपने शरीर को रिलैक्स दे सकते हैं जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनमें थोड़ा व्यक्ति को आराम मिले और वो अपनी दिनचर्या अच्छे से कर सके। अच्छा, ये जो दर्द बना रहता है प्रेजेंट टाइम में, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की काफ़ी कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द में पेन भी स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी के भी कोई पुरानी चोट लगी हो या कोई भी दिक्कत होती है, वो धीमे धीमे इस सर्दी के मौसम में वो अक्सर मुझे जो है देखने को मिलती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर्दियों के मौसम में देखिए जोड़ों का दर्द एक तकलीफ जो है वो आम बात हो जाती है लोगों के लिए। अगर आपकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, यह समस्या विटामिन डी की कमी से हो सकती है, ऐसे में आप इसकी कमी को पूरा करने के लिए रोज़ाना कुछ देर धूप अवश्य लें, वो भी अर्ली मॉर्निंग की धूप जो 9 या 10 बजे तक होती है, उसमें आप प्रॉपर तरीके से बैठें और अपने जॉइंट्स में किसी भी तेल या किसी भी ऑयल, अच्छे से ऑयल का आप मसाज करें। इसके साथ साथ में आप विटामिन डी की जो आहार हैं वो आपको लेना है। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो आहार लेना है वो आहार कौन से आप सबसे सफिशियंट हैं विटामिन डी के लिए। तो उसमें आप नंबर एक में आप जो हैं मशरूम ले सकते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं ले सकते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मशरूम का। मशरूम में विटामिन डी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देन सेकेंड वन आता है अंडा। अगर आप अंडा लेना चाहते हैं तो आप अंडा ले सकते हैं, अगर आप नॉनवेज में लेना चाहते हैं तो आप मछली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुझे विटामिन डी की कमी में क्या करना चाहिए, या जॉइंट्स पेन अगर हो रहा है विटामिन डी की कमी से तो मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर लोग सर्दियों में आलस की वजह से एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहें तो आप वॉक भी कर सकते हैं, जितना भी आप करते हैं उतना करिए। घर पर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपके जॉइंट सही रहें, सही तरीके से काम करते रहें और आपको जोड़ों के दर्द में राहत मिले। और इसके साथ साथ में आपको जो है गुनगुने पानी से जोड़ों के दर्द में राहत बहुत अच्छा मिलता है। गुनगुने पानी को क्या करना है आपको, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, चाहे सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम। अगर आप प्रॉपर रेगुलर तरीके से आपके जॉइंट्स में जो परमानेंट पेन रहता है तो उसके लिए आप जो है गुनगुने पानी का परमानेंट यूज़ करें और अदरक का सेवन अधिक से अधिक करें। जो अदरक है, अदरक को आप एक्चुअली में इस टाइम तो मतलब कई चीज़ों को मिला मुलू के आप अदरक से एक पेस्ट टाइप में, जिस तरीके से च्यवनप्राश होता है इस टाइप का भी एक बना सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही एनर्जिक भी होता है। तो आप अदरक का सेवन करने के लिए सबसे अच्छा है अदरक को आप हल्की धूप में डाल दीजिए और उसके बाद में उसमें सेंधा नमक या काला नमक लगाने के बाद आप उसको घंटे में या दो घंटे में एक छोटा सा टुकड़ा जो है आप मुँह में डाल लीजिए और उसको चूसिए। उससे क्या होता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट जितने भी उसकी प्रचुर मात्रा है, एक्चुअली में अदरक में क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी स्वेलिंग होती है, सूजन होती है जोड़ों की, उसमें मुझे बहुत ही राहत देखने को मिलती है। साथ में ही आप अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन में भी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से और शरीर में जो भी जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है उसमें आप जोड़ों के दर्द में बहुत ही अच्छी राहत मिलती है। और जो मैं आपको अदरक के बारे में बता रहा था, अदरक का एक सबसे बड़ा होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ में इसमें जो है एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में खून के सर्कुलेशन को तेज़ करता है,
जिसकी वजह से अगर जिस जॉइंट्स में हमारे खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है वहाँ पर इसकी सप्लाई जो है अच्छे से होती है। और मुझे या जो व्यक्ति इस परेशानी से गुजर रहा है उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप विटामिन डी की कमी से या आपको जॉइंट्स पेन की कमी से आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स बनी हुई है तो मैंने जो आपको सुझाव दिया है आप इस पर एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो है 100% फ़ायदा होगा। क्योंकि ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल अपने घर में और होम रेमेडी में इसको आप कर सकते हैं। अच्छे से शामिल करिए और इसका रिज़ल्ट देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारा जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।